गर्मी बहुत बिहार के भदन जनेश्वर और उनके शिष्यों ने इस जमीन पर कब्जा करके खेती करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के संवेदनहीन मंत्री लंदन में मौज मनाकर सूबे में वापस लौट आए हैं। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में जमकर तबाही हो रही है, लेकिन मंत्री अभी भी चिकन टिक्का खाने में व्यस्त हैं। यहां आने पर भी इन मंत्रियों ने आपदा पीड़ितों के दर्द को समझने की कोशिश तक नहीं की है। एक तरफ जहां सूबे के आपदा पीड़ित रोजगार, कपड़े और खाने तक को मोहताज हो गए हैं, वहीं ये संवेदनहीन मंत्री लंदन से वापस आने पर भी पार्टी करते नजर आ रहे हैं। इनकी संवेदनहीनता पर जब इनसे सवाल किया गया तो जवाब मिला कि ओलंपिक का टिकट कैंसिल करवाने पर पैसा वापस नहीं मिलता है। ऐसे में मंत्रियों के जवाब से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंत्री सूबे की जनता की कितनी चिंता करते हैं। उत्तरकाशी में आपदा पीड़ितों के लिए हल्द्वानी से गई है सहायता। आपदा पीड़ितों को राहत वितरण करने के लिए हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह चड्ढा ने 2 ट्रक राशन भेजा। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 600 परिवार प्रभावित हुए थे। उनके लिए राशन में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 पैकेट रिफाइंड, 1 पैकेट दाल, 1 पैकेट नमक, 1 भेली गुड़, 1 पैकेट मोमबत्ती और 1 पैकेट चाय पत्ती है। इसके अलावा कपड़े और कंबल भी भेजे गए हैं। इन ट्रकों को झंडी दिखाकर हल्द्वानी के एसपी सिटी जगदीश सिंह भंडारी ने कराया रवाना। आगरा में मिला एक व्यक्ति का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। आगरा के शाहगंज इलाके में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान राजेंद्र नाम के व्यक्ति के रूप में की गई। राजेंद्र के परिजन राजेंद्र की हत्या की आशंका जता रहे हैं और हत्या का शक पड़ोसियों के ऊपर जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब लड़का अपनी छत पर गया तभी हाई टेंशन तारों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। लड़के को चिल्लाता देख उसकी मां उसे बचाने गई तो वो भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में लगभग 1 घंटे तक वो दोनों हाई टेंशन तार पर झुलसते रहे। घटना की सूचना के बाद भी ना तो तत्काल बिजली काटी गई और ना ही विभाग का कोई अधिकारी मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचा। वाराणसी के राजकीय अस्पताल दीनदयाल में आज सुबह गांव वालों ने खूब हंगामा काटा और धरने पर बैठ गए। बीती रात एक युवक का शव शिवपुर थाना क्षेत्र के सुतबलो रेलवे क्रॉसिंग के पास जयपार गांव के पास रेलवे ट्रैक पे मिला था। जब इस युवक के शव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। युवक की शिनाख्त रामशंकर पटेल के तौर पे हुई, जिसे सीने में गोली मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया गया था। युवक के परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले राधे मोहन नाम का एक आदमी उसे अपने साथ बुलाकर ले गया था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्यारे का पता लगाने में जुटी है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश ने ओवरलोडिंग के मुद्दे पर प्रदेश भर के आरटीओ को तगड़ी फटकार लगाई है। दरअसल प्रदेश में ओवरलोडिंग और डग्गा मारी ने परिवहन निगम की कमर तोड़कर रख दी है। ओवरलोडिंग की वजह से पहाड़ी रास्तों में जमकर हादसे हो रहे हैं। ऐसे में परिवहन मंत्री ने आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ओवरलोडिंग और डग्गा मारी की घटना सामने आई तो आरटीओ पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री के अनुसार प्रदेश में ओवरलोडिंग की वजह से राजस्व में भी भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक मासूम लड़की को 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। लड़की को महज 50,000 रुपए के लिए बेचने की योजना थी, लेकिन योजना परवान नहीं चढ़ी। लड़की को उसका एक परिचित घर से बहला फुसला कर गाजियाबाद लाया था। यहाँ लड़की को 2 माह से बंधक बनाकर रखा गया था और अभी से बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। 50,000 रुपए में खुद को बेचे जाने की बात सुनकर लड़की किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली और थाने जा पहुंची। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। केदारनाथ धाम से अतिक्रमण हटाने के नैनीताल हाई कोर्ट के सख्तादेश के बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने अधिकारियों के साथ केदारनाथ का दौरा कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। केदारनाथ में गंगा घाट और खोड़ा पड़ाव में अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों को तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर बने घरों में पुलिस चौकी को स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए इस अभियान से केदारनाथ के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच रहा है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन कितना अतिक्रमण हटा पाता है।
श्रीनगर गढ़वाल के पास हुए दो सड़क हादसे जिनमें दो लोगों की मौत हो गई। श्रीनगर गढ़वाल में आज दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। सड़क दुर्घटना गढ़वाल यूनिवर्सिटी और देवप्रयाग के बछेली खाल में हुई। पहली दुर्घटना में एक कार दीवार से जा टकराई जिसमें एक युवक की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। वहीं दूसरी दुर्घटना में एक ट्रक खाई में जा गिरा जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना में घायल युवकों को बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इसमें से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड के काशीपुर में कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के संग बलात्कार का प्रयास किया गया। छात्रा के चीखने चिल्लाने पर पब्लिक ने आरोपी को पकड़ लिया। नगर की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा कल जब ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तो सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर इम्तियाज नाम के एक आरोपी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया और उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके संग बलात्कार का प्रयास किया। वहां मौजूद भीड़ ने छात्रा के चीखने चिल्लाने की आवाज पर आरोपी को पकड़ लिया, मारते पीटते थाने ले आई। इस दौरान काशीपुर के कई गणमान्य लोग भी थाने में पहुंच गए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हंगामा काटने लगे। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रुड़की पुलिस ने किया है वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रुड़की में एसओजी की टीम और झबरेड़ा पुलिस ने शुक्रवार शाम झबरेड़ा शिव चौक पर चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों से पिस्टल, लोडेड तमंचा और तीन गाड़ियां व एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए तीनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। ये तीनों आरोपी मेरठ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। एसओजी और झबरेड़ा पुलिस की सफलता के लिए हरिद्वार एसएसपी ने दोनों ही टीमों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने आज हेमवंती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रदेश सरकार से मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। कालाडूंगी में इन दिनों पर्यटकों की आमद बढ़ गई है जिससे काफी रौनक है। उत्तराखंड के कालाडूंगी स्थित कार्बेट फॉल में इन दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग दूर दूर से यहां घूमने आ रहे हैं, लेकिन बरसात के इस मौसम में यहां का पानी का स्तर काफी बढ़ गया है जिसके चलते यहां कोई भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लगता है वो किसी बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहा है। आगरा में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। सवाई गांव में रहने वाली शशि नाम की इस महिला का कहना है कि 8 अगस्त को जब वो अपने गांव से बाहर जा रही थी तभी रोड पर दो बाइक सवार युवकों ने उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठा लिया और उसे ले गए। जब महिला को होश आया तो उसने घर जाकर सारी घटना अपने पति को बता दी। इसके बाद पीड़िता को लेकर उसका पति कोतवाली पहुंचा, जहां महिला के बताए जाने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने 3.5 किलो चरस के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने एसओजी की टीम के साथ मिलकर जजी कंपाउंड के पास इन दो संदिग्ध लोगों को रोका और तलाशी में इनके पास से 3.5 किलो चरस बरामद हुई। रवि सिंह राणा और ताहिर नाम के इन दोनों युवकों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करीब एक महीने बाद जेल से छूटने के बाद आचार्य बालकृष्ण के आवास पर उनके मिलने वालों का तांता लगा रहा। हालांकि बालकृष्ण ने अपनी दिनचर्या को पहले की ही भांति सामान्य बताया, लेकिन उनसे मिलने वालों की उत्सुकता इसी बात से लगाई जा सकती है कि कभी उनके पुराने साथी रहे कर्मवीर भी आचार्य बालकृष्ण से मिलने के लिए कई सालों के बाद पहुंचे। उन्होंने बाबा के काले धन के मुद्दे को भी देश हित में बताते हुए इसका समर्थन किया। बालकृष्ण के जेल से बाहर आने के बाद उनके पहले दिन उनकी नित्य दिनचर्या, स्वाध्याय और कुछ देर विश्राम करने के साथ ही अपना ज्यादा समय बालकृष्ण अपने आवास पर ही बिताना चाहते हैं। हरिद्वार में एक बार फिर वन विभाग की लापरवाही के चलते गुलदार की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना हरिद्वार नजीबाबाद राजमार्ग पर स्थित हरिद्वार वन विभाग की है, जहां नालों वाला कंपार्टमेंट में गुलदार की सड़क पार करते समय वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। चक्कर लगते ही गुलदार की मौके पर तड़प तड़प कर ही मौत हो गई। गुलदार की मौत के बाद ही वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गुलदार का पोस्टमार्टम कराया।
चमोली जिले के नारायण बिग्रेट इलाके में बादल फटने से कई स्कूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यहां बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है और कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक पुल भी बह गया है और कर्णप्रयाग से नारायण बागड़ जा रही गाड़ी जिसमें 5 लोग सवार थे मलबे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आला अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों को 3,00,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की इस मुद्दे पर बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा भी हुई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है और सांप्रदायिक तत्वों से सरकार सख्ती से निपटेगी। असम की आग उत्तर प्रदेश में फैलने के बाद यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी है। कल लखनऊ और कानपुर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिसके बाद प्रशासन ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और संवेदनशील इलाकों में RAF और PAC भी तैनात कर दी गई है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने सम्मेलन किया। देश के बिगड़ते आर्थिक हालातों और उसमें केंद्र द्वारा बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव के सवाल पर सवाल ये भी कि राज्य और केंद्र के संबंध कैसे हो और सम्मान की बात की गई संघवाद के लिए, लेकिन संघीय सम्मान की बात हमेशा उन पार्टियों को तब क्यों आती है जब वो विपक्ष में बैठी होती है। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 6 मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शिरकत की और सवाल उठाया क्यों केंद्र सरकार बीजेपी शासित राज्यों के साथ आर्थिक भेदभाव करती है। सवाल ये भी उठाया गया कि संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्रों के बीच में संबंध में संतुलन आना चाहिए, लेकिन ये बैठक दो तरीके से और भी महत्वपूर्ण है। पहला ये कि दो राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं गुजरात और हिमाचल, उन दोनों में भाजपा की ही सरकार है, और दूसरा ये बीजेपी के दो मोदी चेहरे सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी के बीच की खाई को भी पाटने की कोशिश की गई इस सम्मेलन में। राजधानी दिल्ली में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भले ही खत्म हो गया, लेकिन इस सम्मेलन में कौन से सवाल उठाए गए और कौन से जवाब तलाशे गए, इसके लिए कल तक का करना होगा इंतजार, जब जसवंत सिन्हा देंगे मीडिया के सवालों का जवाब, और जवाब इस बात का भी कि क्या इस सम्मेलन के बाद नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी के बीच की खाई कम हुई या नहीं, और दूसरा ये कि क्या दो प्रदेशों में होने वाले चुनाव के बाद भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की संख्या 7 ही रहेगी। इलाकों में RAF और PAC तैनात करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कल लखनऊ में असम में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई थी और प्रदर्शनकारियों ने मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की थी। इलाहाबाद में कल हुए उपद्रव के बाद आज हंगामा और लाठीचार्ज हुआ। शहर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कल हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शहर में भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अलीगढ़ में तोड़ी गई अम्बेडकर की मूर्ति। मूर्ति तोड़े जाने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। मूर्ति तोड़े जाने से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, पलवल टप्पल रोड पर जाम लगा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आज शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी भी मौजूद है। मुख्यमंत्री इस बैठक में शिक्षा विभाग के कामकाज का जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड के संवेदनहीन मंत्री लंदन में मौज मनाकर सूबे में वापस लौट चुके हैं, लेकिन यहां आने पर भी इन मंत्रियों ने आपदा पीड़ितों के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। एक तरफ जहां सूबे के आपदा पीड़ित रोजगार, कपड़े और खाने तक के लिए मोहताज हो गए हैं, तो वहीं ये संवेदनहीन मंत्री लंदन से वापस आने पर भी पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी और पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय में अब तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो सकी है। दोनों विश्वविद्यालयों में फिलहाल कुलपति का कामकाज जिले के IAS देख रहे हैं। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ अपने उन प्रोडक्ट्स का खुद जांच कराने की बात करें जिसका पिछले दिनों छापे के दौरान खाद्य विभाग ने
सैंपल लिए थे। पतंजलि ने ऐलान किया है कि वो इन प्रोडक्ट्स के सैंपल की जांच किसी तीसरी पार्टी से करवाएगा। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की खुदकुशी के मामले में आरोपी गोपाल कांडा ने सरेंडर कर दिया है। कांडा ने दिल्ली के अशोक विहार डीसीपी ऑफिस